हेलो दोस्तों, कभी कभी हम काम में इतना बिजी होते हैं कि अपना मोबाइल में आया हुआ व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं भेज पाते। कैसा होता अगर मोबाइल में आया हुआ व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई मोबाइल खुद ही भेज देता, मतलब रिप्लाई ऑटोमेटिकली चला जाता। हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं दूसरा एक मोबाइल से इस मोबाइल में एक मैसेज भेजूंगा और उसका परिणाम क्या होता है आप देख लीजिए। देखिए, मैंने हाई भेज दिया, ठीक है। अब मैं व्हाट्सएप ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने हाई भेजा था और इस मोबाइल से ऑटोमेटिक एक हेलो रिप्लाई चला गया। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, फिर से एक हाई भेज दिया, हाई आ गया। अब फिर से देखिए, ये देखिए, फिर से एक हेलो चला गया। फिर से देखिए, एक हेलो भेज रहा हूं। देखिए, हेलो आ गया। अब व्हाट्सएप ओपन करके देखते हैं क्या हुआ है। देखिए, एक नया मैसेज चला गया, आई एम बिजी नाउ, विल टॉक टू यू लेटर। अब इसे दिखाने के लिए मैं बार बार व्हाट्सएप बंद कर रहा हूं, क्योंकि WhatsApp ओपन करते वक्त ये काम नहीं करता, मतलब ऑटो रिप्लाई नहीं होता, क्योंकि WhatsApp ओपन है मतलब आप बिजी नहीं है। देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। फिर से मैंने हाई भेज दिया, हाई आ गया, पर कोई रिप्लाई नहीं गया। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए ये हो रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पहले ही एक ऐप की जरूरत होता है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है, और उसके लिए आपको प्ले स्टोर में ऑटो रिप्लाई व्हाट्सएप ये लिख के सर्च करना पड़ता है, और ये जो पहला वाला ऐप है इसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाके एक सेटिंग्स चेंज करना है। उसके लिए नोटिफिकेशन सेंटर और उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस, इसमें जाके ये जो ऑटो रिप्लाई ऐप इसे आपको ऐसे ऑन कर देना है। उसके बाद आप ये जो ऑटो रिप्लाई ऐप इसे ओपन कीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जरूरत अनुसार रूल सेट करना है। देखिए, मेरा यहाँ पे तीन रूल्स है। एक है ये व्हेन ए मैसेज अराइव्स फ्रॉम एनीबॉडी, मतलब कोई भी अगर मैसेज भेजे तो उसको ये ऑटो रिप्लाई जाएगा। और विद दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब ये देखिए हाई यहाँ पे लिखा है, और ये कैपिटल एच और स्मॉल एच ये थर्ड ब्रैकेट में सेपरेटेड है, और उसके बाद आई है, और ये देखिए इन दोनों तरफ स्टार है और सबसे पहले एक डॉट है। तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन का रूल है। इसका मतलब है कोई अगर मुझे हाई भेजे कैपिटल एच स्मॉल आई और स्मॉल एच कैपिटल आई, तो उसे ये हेलो रिप्लाई चला जाएगा। और ये रूल काम करता है एवरी डे और एवरी आवर। यहाँ पे मैं आवर और जो वीक डेज ये सेट कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप सारे रूल सेट कर लिए तब आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, दूसरा रूल से एनीबॉडी, और यहाँ पे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड एक कोड है, इसे देना ही पड़ता है, और ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी मैसेज अगर मुझे आ जाए तो उसका ये रिप्लाई जाएगा, आई एम बिजी नाउ, विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक है व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे ब्लैंक है, और कैन रिप्लाई नाउ, मतलब कोई व्हाट्सएप ग्रुप में से अगर मुझे कोई मैसेज भेजे तो उसमें कैन रिप्लाई नाउ ये रिप्लाई जाएगा। तो दोस्तों, ये अलग रूल सेट करना पड़ता है अलग कंडीशंस के लिए। और ये देखिए, पहला वाला रूल ये है, आप यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे ये पोजीशन दो हो गया, ये देखिए ये नंबर दो में आ गया, मतलब ये ऐप ये रूल्स को जैसे आप अरेंज करें उसके हिसाब से काम करता है। जो रूल पहले मैच होता है वही रूल काम करता है। अब आप देख लीजिए कि रूल क्रिएट कैसे किया जाता है। यहाँ पे प्लस साइन में आइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हेन ए मैसेज अराइव्स फ्रॉम एनीबॉडी, मतलब कोई भी आपको अगर मैसेज भेजे उसको रिप्लाई चला जाएगा। नॉट इन कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो कॉन्टैक्ट सेव नहीं है उसको रिप्लाई जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब ग्रुप में रिप्लाई जाएगा। और यहाँ पे जो आपका
स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, मतलब अगर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से आपका कोई मैसेज आए तो उस पर ही सिर्फ रिप्लाई जाएगा। यहाँ पे दे दीजिए आपका जरूरत अनुसार। यहाँ पे एक्सप्रेशन ये नॉर्मल है, मतलब ये है, मतलब ब्लैंक है, मतलब कोई भी मैसेज आपको आ जाएगा तो उसका रिप्लाई चला जाएगा। और यहाँ पे रिप्लाई विद दिस टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं जो रिप्लाई में जाएगा। अब इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, बस ये सेट हो गया। अब देखिए और एक चीज बाकी चला गया था, तो रूल आवर्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, रूल आवर्स और वीकडेज, मतलब कौन कौन टाइम पे और कौन कौन वीकडे में ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। अब कोई रूल को अगर आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहे तो यहां से आप कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट। और ऐप को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए सेटिंग्स पे जाइए और यहां से ऐसे डीएक्टिवेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा अब यहाँ पे रूल्स सेट है, आप अपना खुशी अनुसार, अपना मर्जी अनुसार जो भी रूल चाहे सेट कर लीजिए और उसके बाद इसे मजे से यूज कीजिए। तो दोस्तों ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।